नमस्कार। साप्ताहिक समसामयिक की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। प्रश्नोत्तरी पर जाने से पूर्व आपसे यह आग्रह है कि आप ही आगे पूछे जाने वाले प्रश्नों का जवाब दीजिए। जवाब देने के लिए वीडियो को अपनी सुविधा अनुसार रोक दीजिए, फिर प्रश्नों पर विचार कर उसका उत्तर दीजिए और आगे आने वाले सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें यह बताएं कि आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नोत्तरी से संबंधित इस वीडियो की अपने इस प्रश्न से। प्रश्न है कि स्वामित्व योजना से संबंधित निम्न कथनों की सत्यता पर विचार करें। चार कथन है। पहला कथन कि इस योजना का पूरा नाम ग्रामीण क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से गांव का सर्वेक्षण एवं मानचित्रण योजना है। दूसरा कथन कि इसका उद्देश्य ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करना, ग्रामीण परिवारों को स्वामित्व का रिकॉर्ड प्रदान करना एवं संपत्ति कार्ड जारी करना है। तीसरा कथन यह गृह मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय की केंद्रीय योजना है। और चौथा कथन इस सर्वेक्षण से प्राप्त संपत्ति कार्ड को ग्रामीणों द्वारा ऋण एवं अन्य वित्तीय लाभ हेतु वित्तीय संपत्ति के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। सही विकल्प का चयन करें। चार विकल्प हैं। विकल्प ए केवल पहला दूसरा, विकल्प बी केवल पहला दूसरा तीसरा, विकल्प सी केवल पहला दूसरा चौथा और विकल्प डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विकल्प सी, मतलब पहला दूसरा और चौथा कथन सत्य है जबकि तीसरा कथन असत्य है। चलिए देखते हैं इसे विस्तार के साथ। स्वामित्व का पूरा नाम क्या है? तो स्वामित्व का पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। और स्वामित्व योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, और यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और इस योजना को चार वर्षों मतलब 2020 से 2024 की अवधि में पूरे देश में लागू किया जा रहा है। और इस योजना के जो पायलट चरण मतलब 2020-21 में छह प्रमुख राज्यों, कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक। तो इन छह प्रमुख राज्यों के लगभग 1,00,000 गांव और पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती गांव को कवर किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। ये रहा दूसरा सवाल, जरा इस पे गौर कीजिए। सवाल है कि निम्न कथनों की सत्यता पर विचार करें। दो कथन है। पहला कथन बीटन एवं ब्रोकन इनफॉर्मेलिटी एंड कोविड-19 इन साउथ एशिया रिपोर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया है। दूसरा कथन इस रिपोर्ट में नागरिकों पर कोविड-19 के विरुद्ध विकसित हो रहे दवाओं के प्रभावों का अध्ययन किया गया है। सही विकल्प पर विचार करें। चार विकल्प हैं। विकल्प ए केवल पहला, विकल्प बी केवल दूसरा कथन, विकल्प सी पहला और दूसरा मतलब कि दोनों कथन, और विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विकल्प डी कोई भी नहीं, मतलब ये कि दोनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। चलिए देखते हैं इसे भी विस्तार के साथ। विश्व बैंक द्वारा, किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा बीटन और ब्रोकन इनफॉर्मेलिटी एंड कोविड इन साउथ एशिया नामक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बच्चों पर कोविड के कारण स्कूलों के बंद होने के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। और इस विश्लेषण में यह बात कही गई है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में स्कूल बंद होने से तो जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है उससे 622 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और अगर स्थिति और निराशावादी होती है तो फिर 880 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का नुकसान हो सकता है केवल स्कूल बंद होने से। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव की भी चर्चा की गई है। और इस आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत यह बात कही गई है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सभी देशों के सकल घरेलू उत्पाद या GDP में पर्याप्त मात्रा में कमी आएगी। और अगर क्षेत्रीय स्तर पर बात की जाए तो इस रिपोर्ट में यह बात कही जा रही है कि दक्षिण एशिया वर्ष 2020 में क्षेत्रीय स्तर पर सबसे खराब मंदी का सामना करने की कगार पर है। वहीं रिपोर्ट में यह बात भी कही गई कि 5 मिलियन छात्र शिक्षा प्रणाली से बाहर हो सकते हैं, और अगर ये शिक्षा प्रणाली से बाहर होते हैं तो फिर
5 मिलियन छात्रों की यह बड़ी संख्या शिक्षा के लाभ से भी वंचित हो जाएगी, जिससे छात्रों की इस पीढ़ी की उत्पादकता पर जीवन पर्यंत या पूरे जीवन भर प्रभाव पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। यह रहा तीसरा प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम से जुड़े कथनों पर विचार कर असत्य कथन की पहचान कीजिए। 4 कथन है। पहला कथन, संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है जो भुखमरी को संबोधित करता है एवं खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। 2 कथन, भूख एवं कुपोषण के उन्मूलन के उद्देश्य से वर्ष 1992 या 1992 में इसकी स्थापना हुई। 3 कथन, वर्ल्ड हंगर मैप को डिजिटली तैयार करने के लिए अलीबाबा क्लाउड विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ मिलकर कार्य कर रही है। और 4 कथन, कि वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला है। सही विकल्प का चुनाव करें। विकल्प ए केवल पहला कथन, विकल्प बी केवल 2 कथन, विकल्प सी केवल 3 कथन और विकल्प डी केवल 4 कथन। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मतलब केवल 2 कथन। मतलब ये कि 2 कथन असत्य है। देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या यहाँ पर यह है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम भुखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1961 में। और यह करती क्या है? तो वैश्विक स्तर पर आपात स्थितियों में विशेषकर क्या है कि गृह युद्ध और प्राकृतिक जो आपदाएं होती है, तो इस प्राकृतिक आपदाओं के समय में जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी खाद्य सामग्री तक पहुंचो उसको सुनिश्चित करना। विश्व खाद्य कार्यक्रम के इसी उल्लेखनीय कार्य के लिए 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया। वही अलीबाबा क्लाउड जो चीन के अलीबाबा ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी है डिजिटल वर्ल्ड हंगर मैप विकसित करने में विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ काम करेगा। अब इससे क्या होगा? यह जो मानचित्र बनेगा तो वह 2030 तक वैश्विक भूख और इस भूख को मिटाने के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसकी निगरानी करने में यह मानचित्र मदद करेगा। और इसका लाभ यहां पर यह होगा कि संयुक्त राष्ट्र के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो जीरो हंगर का लक्ष्य है, शून्य भूख का, तो उस जीरो हंगर के लक्ष्य को प्राप्त करने में यह डिजिटल मैप मदद करेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह रहा प्रश्न कि हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चित नाम कृष्णा पीकॉक, इंडियन जेजेबल, ऑरेंज ऑक्लिफ है। 4 विकल्प है। विकल्प ए मोर की प्रजाति, विकल्प बी प्राचीन शैलकृत गुफाएं, विकल्प सी तितली की प्रजाति और विकल्प डी औषधीय पौधों की प्रजाति। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विकल्प सी तितली की प्रजाति। चलिए देखें इसकी व्याख्या। व्याख्या यह है कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो उस लॉकडाउन के दौरान देश भर के तितली विशेषज्ञों ने तितली संरक्षण के लिए राष्ट्रीय तितली घोषित कराने के लिए एक अभियान चलाया। विशेषज्ञों ने देश भर में मिलने वाली जितनी भी प्रजातियां हैं उन प्रजातियों में से 7 तितलियों का उन्होंने चयन किया और चयन करने के पश्चात उसका ऑनलाइन सर्वे कराया। और इस ऑनलाइन सर्वे में 3 तितलियों को सबसे अधिक पसंद किया गया। ये 3 तितलियां कौन सी हैं? ये 3 तितलियां हैं इंडियन जेजेबल, ऑरेंज ऑक्लिफ व कृष्णा पीकॉक। अब राष्ट्रीय तितली निर्वाचन संघ अपनी राय और जो लोगों की वोटिंग है तो इनसे संबंधित रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय को सौंपेगा और फिर उसके बाद निश्चित किया जाएगा कि देश की राष्ट्रीय तितली कौन सी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि क्रिस्पर कैस 9 से जुड़े कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन है। पहला कथन, या एक प्रकार की कैंची है जिसकी सरलता की तुलना किसी भी वर्ड प्रोसेसर के कट कॉपी पेस्ट तंत्र से की जा सकती है। 2, यह संभावित रूप से अनुवांशिक और अन्य रोगों को समाप्त कर सकता है। 3, वर्ष 2020 का रसायन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार क्रिस्पर कैस 9 जेनेटिक सीजर्स की खोज के लिए दिया गया। 4 कथन, इस वर्ष नोबेल पुरस्कार के इतिहास में यह पहला मौका है जब 2 महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से विजेता घोषित किया गया है
उपर्युक्त में से सत्य कथन है। विकल्प ए केवल पहला दूसरा, विकल्प बी केवल पहला दूसरा तीसरा, विकल्प सी केवल पहला दूसरा चौथा और विकल्प डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। देखते हैं इसकी व्याख्या। जीनोम एडिटिंग को ही जीन एडिटिंग कहते हैं और जीन एडिटिंग एक ऐसी प्रौद्योगिकी होती है जिसकी सहायता से वैज्ञानिक किसी जीव के डीएनए को बदल सकते हैं। इसके अंतर्गत प्रक्रिया यह होती है कि एक वैज्ञानिक या जीनोम एडिटिंग का प्रयोग करते हुए किसी जीव में आनुवांशिक सामग्री को या तो जोड़ सकता है, या तो उसे हटा सकता है, या उसे बदल सकता है। और क्रिस्पर कैस 9 इसी जीनोम एडिटिंग की एक हालिया तकनीक है। और इस जीनोम एडिटिंग की प्रक्रिया में भी वही कार्य किया जाता है, इसमें भी आनुवांशिक जीनों को जोड़ा, हटाया या बदला जाता है। और इस पद्धति में जो कैस 9 है वह क्या है? वह एक एंजाइम है जो एक आणविक कैंची की तरह कार्य करता है। मतलब ये कि यह जीनोम में डीएनए की जो धागा है उस धागा को एक विशिष्ट स्थान से काट देता है जिससे डीएनए को परिवर्तित किया जा सकता है। और रसायन विज्ञान में वर्ष 2020 के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वह इमैनुअल सारपेंची और जेनफिर डाउडना को जीनोम एडिटिंग की क्रिस्पर कैस 9 तकनीक के लिए दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यह है कि ब्लैक होल से जुड़े कथनों पर विचार करें। चार कथन है। पहला कथन, तारों के टूटने के फलस्वरूप एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। दूसरा कथन कि प्रकाश ब्लैक होल से पलायन नहीं कर सकता क्योंकि ब्लैक होल के अंदर का गुरुत्वाकर्षण बहुत शक्तिशाली होता है। तीसरा कथन, प्रकाश के ना गुजर पाने के कारण ब्लैक होल अदृश्य होते हैं और उन्हें केवल विशेष उपकरणों की सहायता से ही ट्रैक किया जाता है। और चौथा कथन कि वर्ष 2020 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार ब्लैक होल से संबंधित ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रदान किया गया है। उपर्युक्त में से सत्य कथन। चार विकल्प हैं। विकल्प ए पहला दूसरा, विकल्प बी तीसरा चौथा, विकल्प सी पहला दूसरा तीसरा और विकल्प डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। मतलब कि चारों के चारों कथन सत्य है। देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या यहां पर यह है कि ब्लैक होल के राज बताने के लिए तीन वैज्ञानिकों, क्या नाम है, रोजर पेनरोस, रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया गेज को 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर रोजर पेनरोस की बात करें तो ब्लैक होल पर इन्होंने काम किया है और इन्होंने यह बताया कि ब्लैक होल बनने का कारण क्या है, वह है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। वहीं रेनहार्ड और एंड्रिया ने क्या बताया, इन्होंने यह बताया कि एक अदृश्य और भारी वस्तु आकाशगंगा में स्थित तारों की कक्षाओं को नियंत्रित करती है। वहीं ब्लैक होल के बारे में इनका यह कहना है कि अभी सिर्फ सुपर मैसिव ब्लैक होल के बारे में ही उन्हें पता है। और अगर हम सुपर मैसिव ब्लैक होल की बात करें तो इसका द्रव्यमान सूर्य की तुलना में 40 लाख गुना अधिक है। अब 2019 में वैज्ञानिकों को पहली बार किसी ब्लैक होल की ऑप्टिकल इमेज मिली थी। अब जरा आइंस्टीन की बात कीजिए। आइंस्टीन ने 1915 के अपने सापेक्षता के सिद्धांत में यह बात कही थी कि गुरुत्वाकर्षण के जरिए अंतरिक्ष और समय को प्रभावित किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने उस समय ब्लैक होल जैसी किसी भी चीज से इनकार किया था। फिर 1965 में पेनरोज ने एक शोध पत्र के माध्यम से यह साबित किया था कि ब्लैक होल वास्तव में बन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यह है कि 16 साइकी निम्न में से है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी भादव प्रजाति और ऑप्शन डी उपग्रह। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह। देखते हैं इसकी व्याख्या। तो यह जो 16 साइकी है यह एक क्षुद्र ग्रह है जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पेटिका में स्थित है। और इसकी खोज कब हुई थी? 1853 ईस्वी में। और इसका जो नामकरण है वह आत्माओं की एक प्राचीन ग्रीक देवी है जिसका नाम साइकी है, तो इसी आत्माओं की प्राचीन ग्रीक देवी साइकी के नाम पर इस क्षुद्र ग्रह का नाम पड़ा है। और नासा का जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप से जो चित्र प्राप्त हुआ है उस चित्रों की सहायता से यह संभावना जताई जा रही है कि इस क्षुद्र ग्रह की सतह पृथ्वी की कोर की भांति किससे बनी हुई है, लोहे और निकल से बनी हो सकती है। और अगर यह संभावना सही साबित होती है तो इसकी कीमत अनुमानित रूप से 10,000
क्वाड्रिलियन डॉलर हो सकते हैं। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न कि निम्न कथनों पर विचार करें। दो कथन है कि मानसर झील जम्मू कश्मीर में है और दूसरा मानसर झील को वर्ष 2005 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। उपर्युक्त में से सत्य कथन। चार विकल्प हैं। विकल्प ए केवल पहला, विकल्प बी केवल दूसरा, विकल्प सी पहला और दूसरा, विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विकल्प सी पहला और दूसरा, मतलब कि दोनों कथन सत्य हैं। देखिए इस प्रश्न को इसलिए यहां लाया गया क्योंकि सरकार ने हाल ही में मानसर झील विकास योजना को तैयार किया है। मानसर झील विकास योजना या जम्मू कश्मीर में स्थित जो मानसर झील है उस पर निर्मित की गई है और इस योजना से क्या लाभ की प्राप्ति होगी? तो लाभ की यह प्राप्ति होगी कि लगभग 1.15 करोड़ मानव दिन रोजगार सृजित होंगे और इससे हर साल 800 करोड़ रुपए से अधिक की आय होगी। और मानसर झील की अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड की यह रामसर सूची में शामिल है। और मानसर झील के नजदीक ही एक और झील, उसका नाम है सुरिनसर झील। तो इसलिए इन दोनों झीलों को क्या कहते हैं? जुड़वा झील भी कहा जाता है। और सुरिनसर मानसर वन्यजीव अभयारण्य उक्त दोनों झीलों के मध्य में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि एजू थाचन पुरस्कार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह तमिलनाडु सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। दूसरा कथन, यह पुरस्कार मलयालम भाषा में उत्कृष्ट लेखन के लिए दिया जाता है। उपर्युक्त में से सत्य कथन है। विकल्प ए केवल पहला, विकल्प बी केवल दूसरा, विकल्प सी केवल पहला और दूसरा, मतलब कि दोनों कथन, और विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विकल्प बी केवल दूसरा, मतलब ये कि केवल दूसरा कथन सत्य है। यार इसकी व्याख्या के अंतर्गत यह पुरस्कार प्रतिवर्ष मलयालम साहित्य के जनक, नाम क्या है इनका? थुनचा थतु एजू थाचन के नाम पर दिया जाता है और यह केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। और यह पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1993 ईस्वी से केरल साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जा रहा है। इसके तहत 5,00,000 रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। प्रसिद्ध मलयाली लेखक पॉल याचरिया, इनको 28वें एजू थाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए देखें अगला प्रश्न। प्रश्न यहां पर यह है कि केवड़िया टूरिज्म सर्किट निम्न में से किस राज्य में स्थित है? चार विकल्प हैं। विकल्प ए गुजरात, विकल्प बी महाराष्ट्र, विकल्प सी तमिलनाडु, विकल्प डी केरल। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विकल्प ए गुजरात। देखिए इसकी व्याख्या यहां पर यह है कि नर्मदा आदिवासी जिले का एक गांव केवड़िया, जहां नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का जलाशय भी है और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के आने से पहले यह एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल था। इस सर्किट में 35 पर्यटन स्थल शामिल है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह अगला प्रश्न है कि स्टार्स परियोजना स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह परियोजना एशियाई विकास बैंक की एक परियोजना है। दूसरा कथन, स्टार्स परियोजना 6 भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार हेतु लागू की जाएगी। तीसरा कथन, इस परियोजना को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा। चौथा कथन, एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख की स्थापना करना इस परियोजना का एक प्रमुख घटक है। उपर्युक्त में से सत्य कथन है। विकल्प ए केवल पहला दूसरा तीसरा, विकल्प बी केवल दूसरा तीसरा चौथा, विकल्प सी केवल पहला तीसरा चौथा और विकल्प डी केवल पहला चौथा। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विकल्प बी केवल दूसरा तीसरा चौथा। देखते हैं इसकी व्याख्या। तो यह जो स्टार प्रोजेक्ट है, तो इस स्टार प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो छात्र हैं उन छात्रों के बुनियादी पठन और गणितीय कौशल को बेहतर बनाना और फिर मूल्यांकन की पद्धति में भी सुधार करना। और यह जो स्टार प्रोजेक्ट है यह 6 राज्यों के लिए प्रारंभ किया जा रहा है। 6 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा। और इस स्टार प्रोजेक्ट को शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत
एक नवीन केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट में जो वित्त पोषण है वो वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाएगा? विश्व बैंक के द्वारा किया जाएगा। और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य नहीं? पहला कथन, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग द्वारा द ह्यूमन कॉस्ट डिजास्टर्स 2019 रिपोर्ट जारी की गई है। दूसरा कि रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के लगभग दोगुने हो जाने के लिए जलवायु परिवर्तन बहुत हद तक जिम्मेदार है। सही विकल्प का चुनाव करें। विकल्प ए केवल पहला, विकल्प बी केवल दूसरा, विकल्प सी पहला और दूसरा, विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विकल्प बी केवल दूसरा, मतलब ये कि दूसरा कथन असत्य नहीं है। वह इसलिए क्योंकि द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स 2019 इस रिपोर्ट को जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के द्वारा। इस रिपोर्ट में पिछले 20 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के लगभग दोगुने हो जाने के लिए जो जिम्मेदार माना गया है वह जिम्मेदार माना गया है जलवायु परिवर्तन। और संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय की स्थापना दिसंबर 1999 में की गई संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आपदा को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय जो रणनीतियां हैं उन रणनीतियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सही कथनों का चुनाव कीजिए। पहला कथन कि हाल ही में मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। दूसरा कथन कि यह योजना कोल इंडिया की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब CSR की सहायता से 2015 ईस्वी में शुरू की गई थी। तीसरा, थैलेसीमिया एक जीर्ण रक्त विकार है जो एक प्रकार का अनुवांशिक विकार है। और चौथा, इस विकार के कारण रोगी में लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता है। सही विकल्प का चुनाव करें। विकल्प ए केवल पहला दूसरा, विकल्प बी केवल दूसरा तीसरा, विकल्प सी केवल पहला चौथा और विकल्प डी केवल तीसरा चौथा। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विकल्प डी केवल तीसरा चौथा। चलिए देखते हैं कि इसकी व्याख्या क्या है। व्याख्या यह है कि इस योजना को 2017 में प्रारंभ किया गया था और यह योजना कोल इंडिया CSR वित्त पोषित हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल प्रत्यारोपण कार्यक्रम है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हेमोग्लोबिनोपैथियों जैसे थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग के रोगियों के लिए एक बार इलाज का अवसर उनको प्रदान करना। और इस योजना की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। स्काल इंटरनेशनल एशिया एरिया से जुड़े सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन कि वर्ष 1834 में स्थापित यह एकमात्र व्यावसायिक संगठन है जो वैश्विक पर्यटन और मैत्री को प्रोत्साहित करते हुए पर्यटन उद्योग के सभी क्षेत्रों को एकजुट करता है। दूसरा कथन, इसके सदस्य पर्यटन क्षेत्र के निदेशक एवं कार्यकारी अधिकारी होते हैं। तीसरा, यह संगठन विश्व पर्यटन संगठन का एक सदस्य है। और चौथा, वर्ष 2021 में भारत कहां पर? जम्मू कश्मीर में CIAA कांग्रेस की मेजबानी करेगा। कौन सा सही सुमेलित है? विकल्प ए केवल पहला दूसरा, विकल्प बी केवल दूसरा तीसरा चौथा, विकल्प सी केवल दूसरा तीसरा और विकल्प डी केवल दूसरा तीसरा और चौथा। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विकल्प डी केवल दूसरा तीसरा चौथा। मतलब ये कि इसमें जो असत्य कथन है वह है पहला। वह इसलिए क्योंकि स्काल इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई है वह कब हुई है? वह हुई है 1934 ईस्वी में। और यह विश्व पर्यटन संगठन का एक संबद्ध सदस्य है। और विश्व पर्यटन संगठन ये कहां स्थित है? यह स्पेन के मैड्रिड में स्थित है और यह संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। और स्काल इंटरनेशनल हर एक साल अलग अलग देशों में एक वार्षिक विश्व कांग्रेस का आयोजन करता है। और 2021 में
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में इसकी 50वीं वार्षिक स्काल इंटरनेशनल एशिया एरिया कांग्रेस होने वाला है। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ पर यह है कि कोविड-19 हेतु फेलुदा परीक्षण के विषय में कथनों पर विचार कर सही कथन का पता लगाइए। चार कथन है। पहला कथन, फेलुदा FNCAS-9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एस का संक्षिप्त रूप है। दूसरा, यह कोरोना वायरस को पता लगाने का पेपर स्ट्रिप टेस्ट है। तीसरा, फेलुदा टेस्ट को IIT खड़गपुर द्वारा विकसित किया गया है। चौथा, यह टेस्ट SARS-CoV-2 को पहचानने और इसे टारगेट करने के लिए स्वदेशी विकसित क्रिस्पर जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग करता है। सही विकल्प का चुनाव करें। विकल्प ए केवल पहला दूसरा तीसरा, विकल्प बी केवल पहला दूसरा चौथा, विकल्प सी केवल पहला तीसरा और विकल्प डी पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब कि उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विकल्प बी पहला दूसरा चौथा। मतलब ये कि जो तीसरा कथन है यह कथन क्या है, यह गलत है। वह क्यों? वह इसलिए क्योंकि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद मतलब CSIR के वैज्ञानिकों ने COVID-19 महामारी परीक्षण के लिए कम लागत वाली पेपर स्ट्रिप टेस्ट तकनीक फेलुदा को विकसित किया है। और इसका नाम फेलुदा क्यों पड़ा है? तो इसलिए कि वैज्ञानिकों ने भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे द्वारा विकसित प्रसिद्ध जासूसी चरित्र फेलुदा के नाम पर इस तकनीक का नाम रखा है। और इस तकनीक के आधार पर परीक्षण का जो परिणाम है वो RT-PCR की तुलना में कम समय में प्राप्त कर लिया जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर यह है कि ब्लू फ्लैग कार्यक्रम से जुड़े कथनों पर विचार करें। चार कथन है। पहला कथन कि अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क द्वारा अंतरराष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। दूसरा, यह कार्यक्रम जापान में वर्ष 1982 में आरंभ कर वर्ष 2005 में लागू किया गया था। तीसरा कथन, ब्लू फ्लैग समुद्र तट पर्यटकों को नहाने हेतु स्वच्छ जल सुरक्षित एवं स्वरूप वातावरण प्रदान करता है। और चौथा कथन, ओडिशा स्थित चंद्रभागा तट ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रक्रिया को पूरा करने वाला पहला समुद्री तट है। उपर्युक्त में से सही कथन का चुनाव करें। विकल्प ए केवल पहला दूसरा तीसरा, विकल्प बी केवल दूसरा तीसरा चौथा, विकल्प सी केवल पहला तीसरा चौथा, विकल्प डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विकल्प सी पहला तीसरा चौथा। इसका मतलब यहां पर यह है कि जो दूसरा कथन है वह क्या है, वह असत्य है। देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या यहां पर यह है कि ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा दिया जाने वाले एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल है। और ब्लू फ्लैग की अवधारणा को पहली बार कहां लाया गया, 1985 में फ्रांस में इसे एक पायलट परियोजना के रूप में लाया गया था। और ब्लू फ्लैग सागर तट विश्व में सबसे स्वच्छ सागर तट माने जाते हैं। और ब्लू फ्लैग प्राप्त सर्वाधिक समुद्र तटों वाले देशों की बात की जाए तो शीर्ष तीन देश हैं, स्पेन शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद ग्रीस और फ्रांस का स्थान, जबकि भारत में ओडिशा के कोणार्क तट का चंद्रभागा बीच ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रक्रिया को पूरा करने वाला पहला समुद्री तट है। और अगर कुल समुद्री तटों की बात की जाए जिन्होंने ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र को प्राप्त किया है तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 8 है, जो आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल यहां पर यह है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन कि शशि शेखर वेम्पति समिति कोरोना टीकाकरण प्रक्रिया से संबंधित है। दूसरा, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसलिंग द्वारा TRP की गणना की जाती है। उपर्युक्त में से सत्य कथन है। विकल्प ए केवल पहला, विकल्प बी केवल दूसरा, विकल्प सी पहला और दूसरा, विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विकल्प बी केवल दूसरा कथन। मतलब ये कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल द्वारा TRP की गणना की जाती है। चलिए देखते हैं इसे विस्तार के साथ। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए लागू दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिनका नाम है शशि शेखर वेम्पति, तो इनकी अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। और अगर TRP की बात करें तो TRP को ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल द्वारा बार ओ मीटर
का उपयोग करके रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न यहाँ पर यह है कि अवधानम निम्न में से क्या है। चार विकल्प हैं। विकल्प ए साहित्यिक गतिविधि, विकल्प बी गणितीय सूत्र, विकल्प सी पेय पदार्थ और विकल्प डी दुर्लभ पादप प्रजाति। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विकल्प ए साहित्यिक गतिविधि। देखते हैं इसकी व्याख्या। यह कि अवधानम एक रोचक साहित्यिक गतिविधि है, जान चुके हैं। अब जरा देखिए इसकी गतिविधियों में क्या क्या शामिल है। तो मुश्किल साहित्यिक पहेलियों को हल करना और कविताओं को सुधारना आदि इसमें शामिल है। और वर्तमान समय में तेलुगु और कन्नड़ में कवियों द्वारा इस अवधानम को पुनर्जीवित किया जा रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि टार बॉल्स से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह एक क्षुद्र ग्रह है। और दूसरा, 2021 ईस्वी में इसके पृथ्वी से नजदीक होकर गुजरने की संभावना है। उपर्युक्त में से सही कथन ऑप्शन ए केवल पहला, विकल्प बी केवल दूसरा, विकल्प सी पहला और दूसरा, विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी कोई भी नहीं। मतलब ये कि दोनों कथन यहाँ पर क्या है वो गलत है। देखते हैं इसकी व्याख्या। टार बॉल्स ये अत्यंत ही छोटे कण होते हैं परंतु ये खतरनाक होते हैं और इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर और पोटेशियम रहते हैं। और टार बॉल बनता कैसे? बायोमास और जीवाश्म ईंधन को जलाने से। और एक हालिया अध्ययन में यह बात सामने आई है कि हिमालय तिब्बत के पठार पर टार बॉल्स की मौजूदगी देखी गई है। और अगर प्रदूषण की मात्रा उच्च होती है तो फिर टार बॉल की प्रतिशत मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है और इसका दुष्परिणाम यह हो सकता है कि इससे ग्लेशियर के पिघलने की गति और जो वैश्विक उष्मन है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, तो उसमें वृद्धि हो सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ पर SGR 1935+2154 निम्न में से है। चार विकल्प हैं। विकल्प ए क्षुद्र ग्रह, विकल्प बी आकाशगंगा, विकल्प सी मैग्नेटर, विकल्प डी कोविड वैक्सीन। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विकल्प सी मैग्नेटर। अब यहां पर इसका उल्लेख इसलिए किया जा रहा है क्योंकि खगोल विज्ञानियों ने यह पाया कि जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा में पहली बार फास्ट रेडियो बर्स्ट इस परिघटना को पाया। और अध्ययन में इस बात की पुष्टि हुई है यह जो फास्ट रेडियो बर्स्ट मतलब FRB यह जो हुआ है, तो इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? इसकी उत्पत्ति का कारण है मैग्नेटर। मैग्नेटर क्या होता है? मैग्नेटर एक न्यूट्रॉन तारा होता है जिसके चुंबकीय शक्ति अत्यंत ही शक्तिशाली होती है। बढ़ते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आसपास की चुनौतियों से निपटना कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। दूसरा, लुहरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। उपर्युक्त में से सही कथन, विकल्प ए केवल पहला, विकल्प बी केवल दूसरा, विकल्प सी पहला और दूसरा, और विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विकल्प सी पहला और दूसरा। मतलब ये कि दोनों कथन सत्य है। तो देखिए यह जो कार्यक्रम है जिसका नाम है आसपास की चुनौतियों से निपटना है, तो अब इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि छोटे बच्चों और उनके जो परिवार है तो कैसे आसपास की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से कैसे निपटे शहर में। और यह कार्यक्रम 100 स्मार्ट शहरों और 500,000 से अधिक आबादी वाले शहरों और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में शुरू किया जाएगा। वहीं आगे कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर स्थित 210 मेगावाट क्षमता वाली लुहरी जल विद्युत परियोजना के लिए 56 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस प्रकार हमने कुल 21 समसामयिकी से संबंधित प्रश्नोत्तरी पर विचार किया। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।